क्या बेटा? अरे क्या बेटा? गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दुमका। और मेरे साथ ये छोटा राइडर। हाय, हेलो बोलो सबको। हेलो। तो गाइस, आज सुबह के 7 बज गए हैं और ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम लोग यहाँ से भागलपुर के लिए निकलेंगे। वहाँ से ये फिर हम लोग आगे गुवाहाटी के लिए निकलेंगे। तो इस छोटू राम से मिलना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं पहुँच गया यहाँ। और छोटू राम की मम्मी से भी। हाँ, क्या बेटा, जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ, फिर हम लोग साथ में चलेंगे। बब्बू बब्बू अम 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 बब्बू तो दुमका से गुड बाय कहने का टाइम आ गया है। घड़ी में 11 बज रहे हैं दिन के, और अगर अभी नहीं निकलेंगे तो फिर मुझे भागलपुर पहुंचने में रात हो जाएगा, और अभी डिले करेंगे तो फिर कल सुबह निकलने में टाइम खराब हो जाएगा। साथ में जो मेरी वाइफ है, थोड़ा सा मुंह फुलाते हुए, बहुत मुश्किल से मनाया है इसको। क्रिसमस टाइम है और क्रिसमस के टाइम में हम घर से बाहर रहेंगे तो ये भी एक अलग बात होगा, लेकिन ऐसे टाइम में फैमिली और बच्चों के साथ रहना चाहिए। बट क्या बट धन्य हो जो इसने मुझे इजाज़त दे दिया जाने के लिए। थोड़ा सा नाक मुँह सिकोड़ रही थी, बट फिर भी अभी ठीक है, इसके स्माइल से पता चलता है। तो थोड़ा सा हैट्स ऑफ इसके लिए भी, इसके वजह से मुझे जाने का मौका मिल रहा है। एंड मिलते हैं पैकिंग वैकिंग करके रोड पे। कुछ कहना चाहती हो? खुद नहीं कहना चाहता खुद मेरा कहना हो गया। तो बस ट्रिप सुबह वाला था। सुबह 7 बजे से लेकर के हम 11 बजे तक हम निकल ही रहे हैं। मिस और बताओ। करेंगे। अच्छा, तो फाइनली हमको पता चला कि मेरी वाइफ मुझे मिस करेगी। तो गाइस, फ्यूल मीटर, ट्रिप मीटर देखने के बाद जो ट्रिप है वो है कि 320 किलोमीटर लगातार हम लोग को दुमका आने के लिए। तो सबसे पहले मेरा काम यही रहेगा कि पेट्रोल भरा लेंगे और अपना 320 किलोमीटर का जो फ्यूल मीटर है उसको जीरो कर लेंगे, ताकि दुमका के बाद। वाइफ फोन कर रही है। हेलो। तो फाइनली मेरी नाराज़ वाइफ ने मुझे कॉल किया है, और ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। हो गया, और मुंह फुलाओगे उसमें रख के चलो। हाँ रखो ना इसमें पैर। हाँ कंधा में हाथ रख के चलो, चलो ना, चल गई। और झगड़ा क्यों करती है? हम तो खाली मना किए तुमको। गुस्सा आता है, हम झगड़ा नहीं करते हैं। सतर्क हो गया क्या? सतर्क मतलब हम तो केयरफुल है। क्यों झगड़ा करें हम तुमसे बताओ? जिससे आदमी प्यार करता है उसे झगड़ा करता है क्या? कितना अच्छा, झगड़ा करके क्या मिलेगा तुम बताओ? अब बढ़कर झूठों का नाराज हो जाती है तुम भी, झूठ का नाराज हो जाती है तुम भी। हमको लगा तुम नहीं करेगी फोन। हमको लगा तुम नहीं करेगी फोन। हाँ खड़ूस नंबर वन हो ना। दुधानी में भरा है यहाँ की वहाँ दुधानी, तो दुधानी जाना होगा ना। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि पेट्रोल पंप यहाँ राइट साइड में है,
बट मेरी वाइफ बोल रही है कि पेट्रोल वहाँ अच्छा मिलता है। आई थिंक अच्छा तो मिलता है हर जगह, लेकिन शायद इनको घूमने का मन है। किससे बात कर रहे हो? हाँ, किससे बात कर रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि शायद तुमको घूमने का मन कर रहा है क्या? हाँ, बैठ गए तो ना। हाँ, मन तो कर रहा है। तो दुमका का ये दुधानी पेट्रोल पंप है, नॉर्मल ही दीजिएगा। क्या रेट चल रहा है? 100। बीच में रोड है ना, अच्छे लग जाएगा। 100.15 लीटर दुमका में। चलो, 1119 का तेल भर गया है बाइक में, ऑनलाइन करेंगे। तो वाइफ अमन रखने के लिए थोड़ा 3000 का शेयर करते हुए दुमका का। नाराज वाइफ को मनाते हुए और ये 3000 का शेयर करते हुए, वरना जाना मुमकिन ना होता। कुछ लेना है क्या? टॉफी वॉफी खुद के पैसे से ले लो। हाँ, चढ़ना तो मुश्किल लगेगा, नहीं चढ़ेगी तो बेइज्जती हो जाएगा। तो क्या बोल रही है, टॉफी वगैरह लेना है? बोलो नहीं तो दुकान पार हो जाएगा। डेयरी मिल्क वगैरह कुछ खाना है क्या? अब पार हो गया दुकान तुम्हारा क्या? ये जूता में मेला नहीं घूमेंगे? बट कहाँ है मेला तुम्हारा? अरे यार, गजब कर रही हो तुम भी। चलो तो घर में जूता वूता चेंज करके आते हैं। अच्छे लग रहे, बाइकर लग रहे हो। तो बाइकर बन के हमको वहां ले जाएगी? पागल है तो इतना। अरे बाप, डिमांड डिमांड पे डिमांड। अरे बाबा, घर भी तो पहुंचना है हमको, घर में भी तो बहुत काम है। क्या बोलना चाह रहा है? हाँ, मेला खत्म हो जाएगा ना कल को। अरे यार रुको, जूता चेंज करके आते हैं हम। इसमें कंफर्टेबल नहीं लगेगा ना, भारी लगता है। जय हो प्रभु। अब मैं जा रहा हूँ, फिलहाल शूज चेंज करूँगा और इसके बाद वाइफ के साथ थोड़ा बहुत मेला घूम लूँगा। एक्चुअली दुमका छोटा टाउन है। नहीं दिया है? दुमका छोटा टाउन है और मेला वेला जो है वो लोग एंजॉय करते हैं, जैसा भी मेला रहे। या घूमने वूमने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं, तो मेला घुमाना का फर्ज मेरा बनता है। तो अब क्या करोगे, यही है प्रेम। घुमा रहे मेला घुमाने के डिमांड पे बाइक को यहाँ पे रख दिए हैं, जूता चेंज कर लिए हैं, राइडिंग शूज, और ये सामने पड़ा स्कूटी। का जरूरत है बकबक करने का, तो जरूरत है तुमको बोलने का उसको, घर जा रही नहीं जा रही। जो मान लो नहीं भी सोच रही हूँ, बिल्कुल खुश नहीं लगेगा। अब देखो, मुझे राइट पे निकलना है और ये मैडम अपनी सहेली से बात करते हुए।
सहेली से बात करते हुए, पता नहीं सहेली थोड़े है अब से के पता नहीं वीडियो थोड़ा ले रहा है, बोलते कि देखिए मैं अभी जा रहा हूं ये सहेली से बात कर रही है। पता नहीं राइडर के तकलीफों को कब समझेंगे ये लोग कि राइड इतना आसान नहीं होता है। और ये भाई काला गेहूँ, काला गेहूँ का क्या होता है मतलब कैसे, मतलब काला काला दिखता है क्या? हाँ देखिए दाना दिखा रहे हैं ये पैके, ये इस टाइप का दिखता है, ऐसी तरह आटा ज्यादा काला नहीं, ये शुगर फ्री रहेगा, शुगर फ्री रहेगा, फाइबर इसमें ज्यादा है। अच्छा फाइबर ज्यादा अच्छा है तब तो चलो ट्राई करके देखते हैं। ये भी तो अच्छा है, मल्टीग्रेन आटा, मल्टी छोड़ो ना, अच्छा है। तो यार ये काला गेहूं का आटा जो हम लोग अभी लेने वाले हैं, 80% गेहूं है, चार परसेंट उसमें गेहूँ, मक्का है, बाजरा है, जौ है, सोया है। और क्या क्या प्रोडक्ट है आप लोग का? यही तो आटा है, सत्तू है, छोटा चना का बेसन है, साबुन है, मस्टर्ड ऑयल है, और हैंड वाश है, हैंड वाश रिफिल है, डिटर्जेंट सोप है, और डिशवाशर सोप है, यार ये क्या चीज़ है, बेसन, ये बेसन है, ये दलिया है, ये जो है गेहूं का दलिया सर, आपके दलिया भी था? हाँ ये दलिया है सर। तो मान लीजिए कि आप लोग चले गए तो फिर कैसे लेंगे सर? डीसी ऑफिस के बगल में उपलब्ध है सर, डीसी ऑफिस के बगल में सर हमारा आउटलेट है, प्लास मार्ट करके, वहाँ से आपको रेगुलर मिलता है। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं दलिया हमको बड़ा बढ़िया लगा इसीलिए बोले, ले लो यार 200 दलिया, दलिया ले लो, अब कौन जाता है चक्की में पिसाने के लिए। आप खाइए उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है। अच्छा हाँ, इसमें शुगर फ्री रहता है, ये पूरा डायबिटीज़ वालों के लिए नॉर्मल आटा अच्छा नहीं होता है, उसमें बहुत ज़्यादा शुगर रहता है। अच्छा ये आपको थोड़ा सुधार रहेगा, सुधाम बन रहेगा। अच्छा और इसका खेती भी सर गिरडी में ही करा है, झारखंड में कहीं खेती नहीं हो रहा है, गिरडी में ही हो रहा है, पहले पंजाब में होता था ये, उसके बाद फिर इसको हम लोग यहाँ मंगवाए, खेती करवाए, उसके बाद तो सर वहीं का आटा है। चलिए भाई आके देखते हैं हम लोग भी और फिर इसका रिव्यू दे देंगे। रांची में हम काम करते हैं, अच्छा। वहाँ आके हम आपसे मुलाकात कर लेंगे, ग्रेडी स्टॉल में रहेंगे सर। ठीक है ग्रेडी स्टॉल में। जो लोग शादी नहीं किए हैं वो लोग समझ जाओ कि शादी करना कितना खतरनाक होता है, और अभी फिलहाल मेरी वाइफ मुझे बोली है कि चाय पी के जाओ, अभी आप मेला घूम ली हो तो फूड स्टॉल से कुछ खा पी लो तो काम आएगा, तो मैंने बोला मैं थक गया हूँ मुझे थोड़ा आराम करना है, तुम ही कुछ लेके आ जाओ। तो गई है स्टॉल सामने, आप देख सकते हैं ये पता नहीं, अरे तो तुम सर्व करिए तो अच्छा ना है, हम वेट कर रहे हैं, जाना भी हमको भागलपुर, रात हो जाएगा रे बेवकूफ, 7 बजे निकलना था और ऐसे ऐसे करके प्रक्रिया चलते रहा चलते रहा चलते रहा, और मैं अभी तक 2 बजने वाले हैं और मैं अभी तक दुमका से निकल नहीं पाया हूँ सरस मेला का आनंद उठाते हुए, तो ठीक है इसी बहाने मेला रुकने का मौका मिला,
मेला घूमने का मौका मिला तो अच्छा है। यहाँ पे आपको झारखंड एवं झारखंड के आसपास के राज्य अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो अपना हैंडीक्राफ्ट सामान का दुकान जो लगाया है पब्लिक ने, लोगों ने लगाया है, वो काफ़ी ही अप्रिशिएटिव है, मुझे अच्छा लगा। जैसे मैंने ब्लैक गेहूँ खरीदा एंड दलिया नक्षत्रा एक्सेट्रा जो भी था, लहसुन का अचार खरीदा, तो घर के हाउस होल्ड पर्पजेस के लिए आपको बहुत सारे चीज़ मिल जाएंगे जो आपका मन को लुभाएगा और आप खुद को लेने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। और ये मेरी वाइफ उधर से चाय लेते हुए, गिरेगा नहीं लेके आओ ना, अरे आओ यार, टेस्ट है, टेस्ट, थक गए रहा, अरे नहीं यार, अरे नहीं। और ये चाय पीना शुरू कर दिया इसने, अरे यार पी करके ला रही है, ये तो अन्याय कर रही है। और ये मोहतरमा ने चाय को आधा पी करके लाया है मेरे लिए। फाइनली जो है सामान वो हमने ले लिया है और जा रहे हैं घर की ओर। ये साड़ी अभी हमको मिला है, फूफू सास की तरफ से ये साड़ी मिला है मम्मी के लिए। जनरली रिलेटिव लोग को साड़ी दिया जाता है तो इसीलिए अभी चौहान अभी सौरभ मत ठीक है अच्छा से जाइए, अपना राइड को सक्सेसफुल बनाइए। मेरी ऑल गुड विशेस आर विद यू एंड आई मिस यू, आई विल मिस। ओह मिस भी करोगे, अभी तो था करेंगे, डायलॉग दे रहे हैं, अभी थोड़ा देर पहले झगड़ा कर रही थी। झगड़ा तो होते ही रहता है, लक्ष्मी पर ना कि झगड़ा मैं हमेशा प्यार में वैसे नहीं होता। हां वाइफ हो तो ऐसी, वाह फिर ये कब हम आपको बोलेंगे कि पति को तो ऐसा कुछ, ऐसा आप भी कुछ करो। ठीक है राइट से आते हैं, फिर मिलते हैं, अच्छे से रखना अपना ख्याल रखना, एमी का भी ख्याल रखना। हाँ। और घड़ी में बज गए हैं 4, और हम लोग निकल रहे हैं भागलपुर की ओर। महारो से आप लेफ्ट हो जाओगे तो आपको देवघर 62 किलोमीटर मिलेगा। अगर आपको देवघर जाना है तो दुमका से आप लेफ्ट हो सकते हो इस चौक से, इसको महारो चौक बोलते हैं। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, अगर आपको देवघर जाना है तो आप यहां से लेफ्ट हो लेना, और अगर आपको भागलपुर जाना है, भागलपुर पूर्णिया बेगूसराय, तो आप सीधे चले जाओ। ये आपको लेफ्ट साइड देवघर 62 किलोमीटर, और हम चले अब भागलपुर की ओर। तो माइलस्टोन में दिखा रहा है, सॉरी मीटर किलोमीटर बोर्ड में, पीरपैती 135, गोड्डा 68, पुरैयाहाट 50, हसडिया 35, भागलपुर 110, नौनिहाट 20। तो सबसे पहले हम लोग को हसडिया पहुंचना होगा, 4:30 बज गया है और सामने आएगा भुरभुरी पुल, जो पहले सिंगल रोड हुआ करता था, अब उसको
लेफ्ट साइड से एक रोड बना दिया है, पुल से अलग एक पुल बना दिया गया है। और यहाँ से महारो से अब जो भुरभुरी पुल के पास से जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर का है। तो गाइस सबसे पहले जो बताना चाहेंगे वो कि ये जो ट्रिप बना था वो मेघालय का था, मेघालय जाने का था। इसको रंजन, हम और आशीष ने मिलके रेडी किया था। फिर अभिषेक से बात हुआ तो वो बोला कि साउथ जाना चाहता है धनुषकोटी, बट अपने पास अभी उतना बजट था नहीं। तो मैंने उसको कहा कि नहीं यार, जाने का तो मन है मेरा, कहीं भी लेके चलो, बट बजट अभी साथ नहीं देगा। तो फिर अचानक से अभिषेक भी मतलब रेडी हो गया मेघालय जाने के लिए। फिर अचानक से कहीं से जब ये प्लान हो गया तो रंजन क्विट कर दिया, कि बोला कि मेरा अभी शादी वादी का टाइम है तो नहीं जा पाएंगे। फिर रह गए हम, आशीष और अभिषेक। फाइनली ये प्लान व्लान सब फाइनल हो गया। इस बीच में प्रशांत ने एक ग्रुप बनाया त्वांग जाने का। तो मुझे तो कहीं भी जाना था, किसी के साथ भी कहीं भी लेके चलो भाई, मैं चलने के लिए तैयार हूँ अगर मेरे पास छुट्टी है तो। लेकिन ग्रुप बना, काफ़ी कुछ हुआ हो हल्ला, सारे को एक्साइटेड, प्लान लैंड मैप वैप मैंने सब चीज़ बना लिया। इसी बीच में फिर जब मैसेजेस वगैरह देख रहा था तो पता चला कि त्वांग में बहुत ठंडा रहता है, दिसंबर के महीने में स्नोफॉल एंड वेदर कंडीशंस अच्छा नहीं रहेगा, तो क्यों इतना हरासमेंट लेके चले आगे। सही बात है, एंड इनफैक्ट उस समय एक चाइना वाला जो अभी झड़प हुआ है उसको भी ताज़ा है बोल करके लोग अवॉइड कर रहे हैं, बट अपना तो प्लान बन गया तो जाना ही है। त्वांग ना जा पाए कहीं और चले जाएंगे, लेकिन राइड तो बनता है, तो राइड के लिए निकल पड़े हैं हम। और हार्डली सारे कोई मिल के राइड के लिए तो ओके हो गए, बट लास्ट टाइम में अभिषेक भी क्विट कर दिया, प्रशांत भी क्विट कर दिया, आशीष भी क्विट कर दिया, एंड जो साथ में सारे फ्रेंड्स लोग हैं वो लोग भी। तो रह गए हम अकेले सफ़र को। बड़ी मुश्किल से नॉन राइडर फ्रेंड पिलियन बर्जेस को तैयार किए हैं, उसको बाइक चलाने आता है, बट एडवेंचर में उसका पैर सेट नहीं होगा। तो सारा राइड जो है मुझे ही करना पड़ेगा। तो रह गए हम अकेले और चल पड़े हैं। फिर एट लास्ट कहीं से एक फ्रेंड जो था, फेसबुक फ्रेंड माइकल मुर्मू करके नेम है उसका, उसने मेरे को मैसेज किया कि कोई राइड वाइड का प्लान है तो बताना भाई, मेरा राजस्थान जाने का प्लान है, वो शायद कैंसिल हो सकता है तो मैं तुम लोगों के साथ हो लूँगा। तो मैंने उसको बताया अपना सारे प्लान्स के बारे में कि मेघालय वगैरह जाने वाले हैं, बट त्वांग का भी प्लान बन गया है। तो फिर अब हम 3 जन हैं, प्लान बना किनके साथ, जा कौन कौन रहे हैं, बस टोटली अ डिफरेंट स्टोरी। एक्चुअली वो पहले पहुंच गया है, उसका छुट्टी 2 दिन पहले हो गया था, तो वो पहले पहुंच गया है और वो वेट कर रहा है, शिलोंग वगैरह वो घूम रहा है फिलहाल। तो हम लोग को 2 दिन में पहुंचना है गुवाहाटी, यानी कि कल और परसों। तो वहीं पर हम लोग मीटअप करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे का प्लान डिसाइड करेंगे क्या करना है। करीब 1 घंटा का राइड करने के बाद हम लोग हसदिया पहुंच गए हैं। हसदिया वो प्लेस का नाम है जहां से लेफ्ट अगर आपको देवघर जा सकते हैं और राइट गोड्डा, यानी कि अगर आप भागलपुर से आ रहे हैं और आपको देवघर जाना है तो आप वहां से उस साइड से अगर आ रहे हैं तो आप राइट देवघर चले जाओगे और लेफ्ट गोड्डा, देख सकते हो राइट साइड में गोड्डा 32 किलोमीटर, लेफ्ट साइड में देवघर 49 किलोमीटर। तो ये सामने आपका हसदिया चौक, भागलपुर यहाँ 75 किलोमीटर, बौसी 24 किलोमीटर, आप देख सकते हैं सामने मैप।
उस मैप को लोगों ने छिपा दिया अपने दुकानों से। लेफ्ट देवघर, राइट गोड्डा। काफी बिजी चौक है ये। यहाँ का सोन पापड़ी मशहूर है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो सोन पापड़ी जरूर लेना, ना भूलना। बिहार का बॉर्डर सामने मिल गया है, जिसमें पूर्णिया 156 किलोमीटर, नौगछिया 89 किलोमीटर दिखा रहा है, पटना 300, मुंगेर 125, भागलपुर 63 किलोमीटर। तो ये है आपका झारखंड का बॉर्डर, झारखंड बिहार का बॉर्डर, और अब फाइनली हम लोग बिहार के बॉर्डर में इन कर गए हैं। और ये सामने आपको चेकिंग पोस्ट मिलेगा, ओ शिट, चेक पोस्ट मिलेगा, जहाँ पे आपको चेक इसलिए किया जाता है क्योंकि कोई दारू अंदर लेके ना जा रहा हो। मद निषेध चेक पोस्ट के पे वाहन जाँच के लिए रुके, तो समझ रहे हो भाई लोग, अगर आप लोग दारू पीने वाले हो तो यहाँ आपका वाट लगने वाला है। चेकिंग लेकिन ईमानदारी से होता है इस चेक पोस्ट पे। अगर आप दारू के साथ पकड़े जाते हो तो अच्छा खासा फाइन है। तो ध्यान रहे कि आप अगर उधर से आ रहे हो दुमका साइड से, तो अपने पास मदिरा को ना रखे या मदिरा पीते हुए ना आए। हम लोग ढाका मोड़ पहुंच गए हैं, शाम हो गया है, नौगछिया 88, विक्रमशिला 82। तो ढाका मोड़ चौक का जो खासियत है वो ये कि आप यहां से सीधा 40 किलोमीटर में भागलपुर पहुंच जाओगे, और उसके लेफ्ट में आप 11 किलोमीटर दूर बांका है, बांका डिस्ट्रिक्ट बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पहुंच जाओगे। तो ये एक जंक्शन पॉइंट है ढाका मोड़ से मेन रूट में आने के लिए, तो इस चौक को ढाका मोड़ कहते हैं। ये बहुत पुराना चौक है इसलिए काफी चहल पहल है यहाँ पे। और ये ट्रक आधा रोड में खड़ा हुआ है। टेक अ डाइवर्शन, अगर आपको पूर्णिया डायरेक्ट जाना है बिना टाउन में घुसे हुए, तो आप राइट हो लेना और आगे बढ़ते चले जाना। आगे सर्विस रोड बंद है यार। और ये मैं लेफ्ट ले लिया, राइट अगर आपको जाना है तो जो राइट है वो आपको साहिबगंज रूट लेके जाएगी, या फिर 0 माइल होते हुए विक्रमशिला सेतु के उस पार नौकशिया। बाबा रे बाबा गाइस, जब भी रूट में आओगे ट्रक से बच के यहाँ से आपको मुंगेर 59 किलोमीटर है। मुंगेर जाने वाले लोग यहाँ से आप बढ़ सकते हो, जिन्हें पटना जाना है वो भी आप स्ट्रेट हो सकते हो। और ये सर्विस रोड आपका पूरी तरह से खराब हो गया, रद्दी कर दिया इन लोगों ने रोड को।
कि वहां से वहां तो वीडियो ले रहा है तुम्हारा हाँ। वीडियो ले रहा है कौन ये मनुष्य तो वीडियो ले रहा है हम लोग का ओ इसमें क्या हुआ ओ ये ऑलरेडी ये ऑलरेडी ये बेकुल थोड़ी ना बेकुल आदमी थोड़ी ना है ऑलरेडी योर ड्रिंक बेकुल आदमी थोड़ी ना टिम टिम देखो लाइट चल रहा है टिम 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 क्या है ये टिम टिम क्या है ये टिम टिम क्या है ये टी 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 गाइस फाइनली हैप्पी होम लाइक अ क्या लाइक अ और ये कुछ पब्लिक क्या 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 हो गया लाइक अ बहुत खुश हो रही है लाइका बहुत खुश है देखो ये देखो देखो लाइका क्या ये देखो इंटेलिजेंट ये वहाँ मेरे तक पहुँच नहीं पा रही थी आ जाओ पहुँच नहीं पा रही थी इसीलिए ये टेबल में छोड़ गई जस्ट टू गेट क्लोजर टू मी क्या लाइका शाबाश 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 अरे पागल इसी के साथ आज के दिन का राइड का वीडियो यही एंड होता है मिलते हैं अगले एपिसोड एपिसोड नंबर 3 में।